अनफॉर्चुनेटली ये जो जिगर पे मुझे पुशवाला गाड़ी मिला है, तो देख सकते हैं ये गाड़ी जो अनफॉर्चुनेटली जल गया, टोटल डैमेज हो गया। माँ काफी एक्साइटेड है ये ब्रिज को देख के। माँ ने बोला कि सदिया ब्रिज नहीं देखा बोल के, तो फाइनली दिखा दिया। ये इंडिया के सालेम यहाँ ब्रिज है। पूरा इनविटेशन तैयारी कर रहा हूँ, एनवलप पे इनविटेशन पूरा डाल रहा हूँ आदमी को देने के, लोगों को देने के लिए। तो गाइस मैंने फ्रेश अप कर लिया, तो गाइस ये है 50 रुपीस वाला स्वेटर जो कि मैंने लास्ट मेला में लिया। अभी मैं आज पहले बार इसको पहनने वाला हूँ और मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। पहले मैं पहनता हूँ उसको 50 वाला स्वेटर। तो गाइस फाइनली मैंने ये 50 रुपीस वाला स्वेटर मैंने पहन लिया, तो यू कैन सी हियर कैसे लग रहा है कैसे नहीं लग रहा है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना यार, सच सच बताना पर झूठ मत बोलना, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ये मेरा 50 रुपीस वाला स्वेटर, आप लोग मानेगा? तो जैसे ही मैंने तैयारी कर देने के बाद मैंने भैया को जगाने के लिए गया था कुछ काम के लिए, पर भैया इतना मज़ा से सोया हुआ कि क्या बोलेगा, एकदम बढ़िया से सपना देख रहा होगा, इसलिए मैंने फिर नहीं जगाया उसको, डायरेक्ट मैं निकल गया वापस वहाँ जाके। तो जैसे इनविटेशन तैयारी कर देने के बाद माँ हम दोनों निकल पड़े सुनपुरा की ओर इनविटेशन सर्कुलेट करने के लिए, और मुझे बहुत ही अनफ्रेश वाला फील हो रहा था क्योंकि पहले बार मैंने एकदम अर्ली मॉर्निंग उठा था, तो इसी कारण पे पूरा अनफ्रेश वाला फील हो रहा था, जाने मन नहीं हो रहा था, फिर भी क्या करेगा जाना तो पड़ेगा ना, उपाय नहीं यार। पूरा इनविटेशन है उसको अभी हर किसी का नाम जिस जिसको दे उसका नाम मेंशन करेगा यहाँ पे। चाहे तुम ना चाहे तुम या चाहे तुम रिति हम चाहे तुम रिति तमाइन एंड फैमिली ओली बो ओली बो तमाइन ब्रागे अमंगा सादन जो तैयार ले हुआ तो अभी माँ हम दोनों जिन लोगों जिस किसी को जिन जिन लोगों को इनविटेशन देना है उन लोगों का नाम यहाँ पे इनविटेशन पे मेंशन कर रहे हैं। अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, बोली बो शालंग बोली बो। और नाम मेंशन करते करते और किसका नाम मेंशन करेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पूरा पटक से रिमाइंड नहीं हो पा रहा था, और माँ को भी पूछ रहा था किस किस का नाम लिखिएगा बोल के, माँ को भी अचानक से किसी का नाम रिमाइंड नहीं हो पा रहा था, पूरा दिमाग खराब होके बैठा हुआ था, इसका नाम लिखे ना उसका नाम लिखे समझ में नहीं आ रहा। तो गाइस नाम मेंशन हो चुका है, अभी बस सर्कुलेट करना बाकी है, देना बाकी है, तो अभी निकल जाते हैं मामा लोग का बस से। हेलो बोलो। हेलो। ये मेरा बंजा, बंजा का नाम क्या है? हम है। नाम क्या है बोलो? नाम तीता है। तीता है क्या? तो हम दोनों कहाँ जाने वाला है अभी? पार्क।
फोर्ट नहीं तो कहाँ चेंग नहीं चेंग चूचू वो चाइनीज बात करे खतरा से चूचू ना अभी हम लोग तमिलनाडु ग्राउंड दिखेंगे ना यस मम्मी अच्छा ना पापा अच्छा पापा नहीं है पापा नहीं है क्या पापा का पास जगह ना ठीक है चलो ये मेरा कियान बन जाए ना चुप गए पापा वेयर पापा हेयर विच वन पापा हेयर वाओ लेट्स गो चलो आर यू एक्साइटेड वोय बारियन जोर से चलाओ पापा आ जा जोर से चलाओ ना पापा को बोलो ना नहीं सुनाई दे रहा है नहीं सुन रहा ना वो कत्तीस कर दो नहीं है पापा को चिल्ला फिर दोबारा अभी चिल्ला अभी देख रहा है चिल्ला अभी चिल्ला पापा बाय पापा बाय पापा बाय चल जाएगा पापा सुन नहीं सुन रहा है क्या बोला है यहाँ देखो कौन सा कैंडी ओ अंकल को बोलो बोलो उसके बाद क्या चाहिए बोलो बंजा उसके बाद फिर कब मिलेगा पता नहीं माँ जब मुंबई तो देख के आ गया होटल ताज तो देख के आ गया लेकिन क्या है कि हमारा जो पड़ोसी जो सदिया ब्रिज है वो नहीं देखा बोल के बोला है तो इसी कारण पे हम लोग इस वक्त सदिया की ओर जाएंगे तो उसको मैं दिखाऊंगा सदिया ब्रिज आज काफ़ी कीमती समय निकल के आया हम लोग ने तो कब पहुँचेगा वो पता नहीं अभी पहुँचने ही वाला है सदिया ब्रिज तो कुछ ही मिनटों के बाद सदिया पहुँच जाएंगे हम लोग सब देखते हैं माँ का रिएक्शन क्या होता है तो गाइस तो फाइनली अभी इस वक्त हम लोग सदिया ब्रिज पहुँचा हुआ है क्योंकि सुनप्रा तक आया तो अपने माँ को सदिया ब्रिज दिखाने के लिए आया हुआ क्योंकि माँ जो सदिया ब्रिज नहीं देखा बोल के बोला है तो इसी कारण पे सदिया ब्रिज दिखाने के लिए आया हुआ सुनप्रा तक हम लोग इन्वाइटेशन पहुँचाने के लिए आया था तो इसी कारण पे क्यों ना हम लोग कुछ कीमती समय निकल के ये माँ को सदिया ब्रिज दिखाने के आ गया है ब्रा नमा ला ना माँ पहले तो ऐसे गाड़ी से तो बस वो लोग का ज़माना में बस पानी से और नाव से होके जैसा था बस अभी तो ब्रिज हो गया तो माँ का फर्स्ट टाइम है ये ब्रिज देखने के लिए टंग यहाँ 9 किलोमीटर माल है कुछ प्याज है अच्छा ना हेलो ब्रा है ना ये जय श्री राम आइसक्रीम है तब तो नहीं लेंगे चाचा हो जाएगा माँ काफ़ी एक्साइटेड थे ये ब्रिज को देख के बहुत ही एक्साइटेड होते हुए माँ ने बोला कि सदिया ब्रिज नहीं देखा बोल के तो फाइनली दिखा दिया ये इंडिया के साले मो यहाँ ब्रिज है वह सब वह क्या है ना अपना मैं अपना वो है तो अभी हम लोग सुनपुरा से होके आ गया था तो अभी वापस निकलेगा यहाँ से तो वो आने चला जाएगा तो अभी वापस निकलेगा अब फोटो खींचेगा चलो नहीं देखा
तब नाम चौक है। तो गाइस अभी फोटो सेंसेशन भी हो चुका है, तो अभी निकलेगा यहाँ से बस। तो अपने घर की ओर निकलते हैं, अभी पूरा जितना इनविटेशन देना था सब दे दिया अपने मामा लोग, तो निकलते हैं यहाँ से। तो फर्स्ट टाइम जाओ, ठीक है। तो अभी हम लोग दिगारू पहुंच चुके हैं इस वक्त। तो दिगारू में कुछ भाई लोग का शायद एक गाड़ी फंस गया लग रहा है, तो देख के देखने जा रहा था मैं। ये पुष्पा गाड़ी है वो। ब्रेक से सब ठीक है? ये पुष्पा गाड़ी, ये क्या हो गया भाई? जैसा ये हाँ रुक जाबो, हाँ जल गया ला गाड़ी, जल गया। तो अनफॉर्चुनेटली ये जो जिगरू पे मुझे पुष्पा वाला गाड़ी मिला है, तो देख सकते हैं ये गाड़ी जो अनफॉर्चुनेटली जल गया, टोटल डैमेज हो गया, देख सकते हैं सर, पूरा धुआं निकल रहा है यहाँ से, देख सकते हैं सर। खुलो तो भाई खुलो ला, ये तो वो निकल गया ना पानी वाला, यहाँ में अंडा रखने से हो जाएगा। तो अंडा बोल करेगा, ये बंटे ना भाई, लगन बंद कर दो ना। बैटरी की हो यार, तुम देखा क्या बंद करेगा इतना गर्म। तो ये तो जल्दी नहीं बनेगा होगा, क्या पता अभी मुश्किल है। फंस जाएगा लगता है। तो काफ़ी मशक्क़त के बाद हम लोग ने मेरे माँ के साथ पूरा ओवरऑल घूम के आ गया, जहाँ जहाँ पे जाना था वो जाके आ गया, और अभी जस्ट घर पहुँचा है। और अभी रात का 8 बज चुका है, और हम लोग सुबह यहाँ से निकला है 7 AM में भी। और इनविटेशन क्यों भेज रहा था वो आप सभी को मैं बता देना चाहूँगा। 25th of February पे मेरा दीदी का एक, हमारा जो मिशमी नेम का एक शादी पार्टी, एक वेडिंग सेरेमनी रखा हुआ है, तो उसी के लिए इनविटेशन सर्कुलेट कर रहा था इधर उधर जितना हो सके, और यही था बस। इसके लिए मैं बहुत ही क्या बोलूँगी यार, शेड्यूल बहुत ही टाइट है यार। तो इधर उधर अभी जस्ट शुरुआत किया, अभी बहुत ही पिक्चर बहुत ही बाकी है यार। तो होप यू गाइस, आप लोग से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, और मेरा जो दीदी का जो शादी पार्टी है उसका आनंद थोड़ा लेने आइएगा। तो आज का दिन बस यही तक था, और मिलते हैं अगले ब्लॉग पे।